हम तुम्हारे हम तुम्हारे हो आ हर कसमों की कसम ना जुदा तुम्हारे चमेली के पात्र खुश होकर के हमारे मंडल के पात्र भैया संजय सेन आपकी ओर से 20 रुपए दिए जाते हैं। मंडल आपका बहुत खुश हो, धन्यवाद। 20 रुपए भैया मनवाड़ी आपकी ओर से चलते प्रसंग पर देते हैं। सुनिए कुमार साहब, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो सुनिए। 20 रुपए हमारे भैया टंकी वाले मिस्त्री आपकी ओर से देते हैं। हमारा मंडल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो आप अपने घर जाइए और जो बहू घर में गहने पहने बैठी हुई है वो सारे गहने ले आइए। यदि आप गहने लाओगे तो मैं समझूंगी आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। ए क्या किया तुमने, ए क्या मांग लिया, ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ कुमार साहब। भैया मोनुआठिया आपकी ओर से 21 रुपया और ये पुरस्कार आज जो हमारे बाहर से कलाकार आए हैं गांव के ही भने भैया सुनील पटेल आपको देते हैं। ठीक है, ठीक है चमेली, मैं शीघ्रता से घर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए सारे जेवरात लेकर के आऊंगा और प्रेम पूर्वक पहनाऊंगा। मित्र कुछ समझ में नहीं आता इस सलमा का और चमेली जान का, बताइए उसने तो सारा गहना मांगा है। अब मित्र बहुत देर हो चुकी है, अब तुम राजमहलों के लिए चलो। ठीक है मित्र, चलते हैं, लेकिन घर जाकर के और हमारी धर्म पत्नी से सारा गहना मैं कैसे मांगूंगा, एक कुछ समझ में नहीं आता है मित्र प्यारे लाल। हाँ मित्र बोलो। मैं कैसे सारे जेवरात हमारी पत्नी से जाकर और राजमहलों में मांगेंगे प्यारे लाल? अब मित्र तुम चमेली जान को वचन देकर आए हो तो तुम्हें पूरा तो करना ही होगा। मित्र कुछ मित्रता हमारे लिए समझ में नहीं आ रही है, बताइए आज चौथा दिवस है ना मैं देवी मंदिर जा पाया और बताइए चमेली जान ही जिस ओर देख रहा हूं उस ओर केवल सलमा जान और चमेली जान दिख रही है। ठीक है मित्र, चलते हैं महलों की ओर चलते हैं। दासी का प्रणाम स्वीकारो नाथ। खुश रहो। क्या बात है पिया, आप इतने गुस्से में क्यों है नाथ? क्या सबब है पिया, आप कहिए जरा, हमसे किस बात से आप नाराज हैं? मैं हूँ पत्नी तुम्हारी सदा के लिए,
अब ठिकाना नहीं। मैं तो अपने पिता के एदी बचन में बंधा, मेरे घर में तेरा अब ठिकाना नहीं। क्या करूं मालिक मेरे, मानो
चमेली मेरी जाके उसको मैं कैसे से सारे जेवर ले जाकर के और चमेली जान के यहां जाता है। बा ये तो बहुत ही अच्छा काम हुआ, धन्य है हमारी पत्नी को और हमारे माता पिता को। लेकिन एक केवल सत्संग प्यारे लाल ने बताइए क्या करवा दिया। लेकिन ठीक है, आज चमेली जान और सलमा जान ये सारे जेवरात देकर और प्रसन्न हो जाएगी। हाँ, हमारे श्रीमान रूपेश आढ़िया रामदीन के चलते हुए प्रसंग पर 20 रुपया की राशि प्रदान करती है। हमारी कंपनी उन्हें कोट कोट सा धन्यवाद देती है। हेलो 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 खुश रहो। महाराज की आज्ञा हो तो कुछ कहना चाहते हैं। कहो मंत्री भाई। क्या कहूं कैसे कहूं उकाते में आज ओ बेटा हो कर जैसा देखा आज तुम्हें क्या बतावे ओ बेटा होकर आपका रंगी का वक्त है। सत्य है मंत्री बन
इसे का भक्त है मेरा लाडला, मैं आरोप उस पर लगा। समझ लीजिए और बेटा बिगड़ गया है। साथ में जा मिलकर और उस चमेली के कोठे पर जाते हैं, उनमें दिन नाच गान होता है, वो सब ऐसो आराम होते हैं। महाराज सुनो, मैं कानों की सुनी और आंखों की देखी मानता हूँ। अभी देख लीजिए महाराज, अभी तो कोठे पर चले, अभी देखूंगा तत्काल राम दिन बेटा मेरा रहता है किस। दुर्गेश प्रजापति, आपकी ओर से बाहर से कलाकार आए भैया सुनील पटेल, और ये हमारे सीताराम और माखन के भांजे हैं, इनकी ढोलक पर प्रसन्न होकर 51 रुपया देते हैं। हमारा मंडल आपको कोट-कोट से धन्यवाद देता है। ठीक है मंत्री बल, मैं स्वयं जाकर देखूंगा। चलिए महाराज, अभी साथ में चलते हैं। कुंवर साहब कहो चमेली बादान तो मेरी चढ़ती जवानी तड़के आए। ओ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, बादान तो हाँ, हमारे भैया रुपये साठिया शलमा और चमेली के पास पर खुश होकर 20 रुपये देते हैं। हमारा मंडल आपको कोट कोट सा धन्यवाद देता है। नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ जा छुपा है बालम तू हर जाए। नींद हमारी पिया तूने चुराई, छुपा है पिया तू हर जाए। ओ मेरी मेरी तड़पती जवानी तड़पे है।
हमारे भैया उपेंद्र तिवारी, हमारे जो प्रोड्यूसर कलाकार है नकल जी, इसके पार्ट पर खुश होकर 10 रुपए प्रदान करते हैं। तो मेरी मेरी चढ़ती जवानी तड़फे होए, चमेली जान अब तो ऐसा लग रहा है ए दिल जान हमसे पूरी सारी रचा ले मोरी जान। चमेली जान, हाँ कुंवर साहब कहिए। ए दिल जान हमसे शादी पूरी रचा ले मोरी जान, अरे मित्र घसीटे भागो राजा साहब पधार रहे। ए दिल जान हमसे शादी पूरी रचा ले, तुझे शर्म ना आवे। नगर से तुझे भगाऊंगा कि नगर से तुझे भगाऊंगा, सबक तुझको सिखाऊंगा। नारी होकर लाजना आवे मुझे बड़ी हैरानी होवे, तुझे शर्म ना आवे। के बस 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 मत बोलिए, आ गए कोई बोल नहीं खरीदा आपने हमको कोई। जाइए जाइए साथ ले जाइए, मैंने इसको कभी भी बुलाया नहीं, खुद ही आया है चल के मेरे पास में, मैंने इसको कभी भी बुलाया नहीं। सुनिए राजा साहब, मैंने इसको कभी अपने घर पर नहीं बुलाया, ये खुद ले खुद आया है चलकर, जाइए इसे ले जाइए अपने पास। मैं तुम जैसी गंदी अश्लील संस्कारहीन औरतों से बेस्याओं से कोई बात नहीं करना चाहता, चल मेरे साथ। चलते प्रसंग पर राजा के पार्ट पर खुश होकर हमारे भैया
वृंदावन सोनी जी आपकी ओर से इक्यावन बजे दी जाते हैं। हमारा मंडल कोटकोट सा धन्यवाद देता है। सुनती हो महारानी, देख ले ये तेरा लाडला आज सबको नसीहत सिखाने लगा। देख कर मुझको ऐसे शर्मिंदा होने लगा। देख ले ये तेरा को समझा प्रिय कुल का दीपक प्रिय आतम क्या हुआ आतम क्या हुआ। देखती हूँ मैं रानी जैसे मैंने भगवान का भजन करके कितनी अपनी आत्मा को भगवान से मिलाकर भगवान से पुत्र प्राप्ति की। आज ये पुत्र मुझे देखकर मेरा शरीर मर क्यों नहीं जा रहा। नहीं स्वामी। क्या नहीं स्वामी, मैं खुद देख कर आया हूँ। माता जी काम कोई नमा मैंने ऐसा किया उरिया पे मैया को झूठी बताने लगे। एक ही दिन क्या पहुंचा माता जी, एक ही दिन क्या पहुंचा उस चमेली के घर मिथ्या इल्जाम मुझ पर लगाने लगे। सुनती हो महारानी, इससे अच्छा तो हमारे यहां कोई पुत्र ही नहीं। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, आके तो खोलो स्वामी। क्या तुम्हें हो गया प्राण प्यारे पति, इस जगत में पति के बिना कुछ नहीं। तुम भी धीरज धरो स्वामी, अपनी दासी को अब ना रुलाओ। हाँ हमारे भैया मूलचंद जी पटेल टेलर्स और भारत गैस एजेंसी केवलारी भैया संदीप सेन आपकी ओर से रानी के इस बिलाप पर प्रसन्न नहीं दुखित होकर के 101 रुपए देते हैं। हमारा मंडल कोट कोट सा धन्यवाद देता है।
स्वामी कहाँ गए पीतम्बर दासी को अपनी पहुंच गया चमेली के यम।
लेकिन उसे तो केवल चमेली का नशा था। दाह क्रिया हुई, 13वीं 13वीं संस्कार हुआ, अब क्या, अब तो कोई उसको देखने वाला नहीं था। ठीक 15 दिन बाद वह चमेली के यहाँ फिर पहुंचता है। अब यहाँ से कहानी एक और बोल लेती है, जिस नाटक का हम आज ये नाम है माघ ममता। अब बस कुछ ही 10 मिनट का समय है, नाटक हमारा समाप्त होने वाला है, और ये अच्छी शांति बना करके देखिए। सारे नाटक का सार यही है, यह माँ की ममता, माने एक माँ की अपने बच्चे के प्रति क्या ममता होती है। बस 10 मिनट और देखिए, इसके बाद आप लोग जा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, परमात्मा का ये सब विधान और ये सब जो है आज की सत्संग का प्रभाव। मैं दीवाना हो गया जाने मन के प्यार में। कुमार साहब के झूठी बात न हमसे ये बनाओ मेहरबा झूठी बात न
कि 15 दिन से आपका करती रही इंतजार, कि अब गुस्सा ना दिलाओ ए दिलाओ मेहरबा अब ना गुस्सा दिलाओ। कि आप दोगे मुझे क्या बताओ जरा, एक अर्जी कहूं गौर सुन लीजिए। सुन रहे कुंवर साहब? सुन रहे हैं। मुझ को आबे यकी, मुझ को आबे यकी, आप पहले मुझे एक वचन दिए। आप दोगे अगर सच्चा करते हो प्यार, सुन रहे कुंवर साहब? कहिए कहिए। अगर सच्चा करते हो प्यार बनोगे मेरे सच्चे यार। साहब पहले वचन हमें दो तीन बात का फिर मैं करूं यकीन। पहले अब ना करोगे तुम तो ही बरना ना ना माननीय मंडल के संरक्षक पूज्य डॉक्टर बीडी पाठक जी, आपकी ओर से समस्त पात्रों को 501 रुपए की राशि, समस्त पात्रों के पाठ पर खुश होकर 501 रुपए देते हैं। हमारा मंडल चाहता है कि ऐसा आशीर्वाद आपका हम सब पर बच्चों पर बना रहे। बोलिए रामचंद्र सरकार की। भैया दुर्गेश के जापति आप
लगता है सुनील पटेल आपकी ढोलक इतनी भाग गई है यहाँ के लोगों को कि आपके ऊपर भी 500 50 रुपया दुर्गेश प्रजापति देते हैं और भैया रामनाथ और राहुल पटेल चलते प्रसंग पर 101 रुपया देते हैं और भैया रामदीन के छोटे भाई उपेंद्र तिवारी रामदीन और चमेली की इस आस्की पर 51 रुपया देते हैं। बोलो रामचंद्र सरकार की। सुनो चमेली जान, कहिए कुमार साहब, मैंने तो आपसे कह ही दिया, यदि कह दो तो चांद सितारों से भी तुम्हारा श्रृंगार कर सकता हूँ, और अभी तक आपने जो कुछ मांगा मैंने तत्काल आपके सामने रखा, और कहो आपको कैसे यकीन होगा, कैसे विश्वास होगा, कहो शीघ्रता से कहो। मैं जो मांगी आप दोगे? देंगे। सच बोलना? बिल्कुल, मैं सत्य वचन दिया है, दोगे? देंगे। देना हो तो दीजिए, मांगूंगी ना फिर, अभी काट कर लाइए अपनी माँ का। रघुवंशी राजा का पुत्र हूं, मैं कभी नहीं मिटूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। अरे चमेली जान तू रही ये बादर फाड़ो, उरे अभी तो कहती थी राम दीन तुमसे है सच्चा प्यार। मैंने तो पहले ही बोला था आपसे, और आपने 3 वचन भी दिए थे। पत्थर मेरे खा पड़ती, सुनती हो चमेली? सुन रहे हैं। पत्थर पर रे खा पड़ती, फिर कैसे मिटली मुखार बिंद्र की वाणी, फिर वापस नहीं हो सकती है। ठीक है चमेली, लेकिन जो आपने कहा है, माता तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही हैं, अब मैं सत्संग त्याग कर पूजन पाठ करके जो भजन किया करता था, अब मैं वर्तमान में जो संगत के प्रभाव में आ गया हूँ, ये पूर्ण आनंद लेकर रहूंगा। माता तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हैं, ठीक है, घर जाकर देखते हैं चमेली जान। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ए भगवान की लीला, सत्संग में आके हमने हमारे पिता को खो दिया, हमारे जैसी पतिव्रता नारी उसका भी सौभाग्य का सारा श्रृंगार लेकर और चमेली को दे दिया, लेकिन फिर भी चमेली को समझ में नहीं आता और ये आज क्या मांग लिया। रसता सूझे ना पूरे उलझन सुलझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां। कहा रास्ता सूझे ना उलझन।
अपना दूध पिलाया कि जिस माता ने पाला पोसा अपना दूध पिलाया और हाय उसी का हुआ नहीं वह गला काट कर लाया। हाँ हमारे भैया गन्नू पटेल, हमारे भैया गन्नू जगत जी आपकी ओर से ढोलक मास्टर के इस वादन पर 50 रुपए देते हैं और भैया मुलू पटेल आपकी ओर से 10 रुपए। हाँ हमारे भैया सज्जू दाऊ आपकी ओर से 20 रुपए देते हैं, हमारा मंडल कोट कोटा धन्यवाद देता है। ठीक है, यही हमारा प्रसंग था।